दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑर्निथोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को बर्ड्स यानी पक्षियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है यदि आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो लोगों को लगता है कि आप टाइम के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल और जिम्मेदार हैं और टाइम की वैल्यू जानते हैं। और दोस्तों, क्या आपको यह भी पता है एक इंसान जो भी काम करता है उसका 90% तक उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन जब वह किसी चीज को सिर्फ सुनता है काम नहीं करता है तो उसका ब्रेन केवल 10% ही स्टोर कर पाता है। तो इतना फर्क होता है सिर्फ सुनने में और उस काम को करने में। इट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर लड़कियां हमेशा अपने से बड़े लड़कों को ही पसंद करती है, और वहीं लड़के अपने से छोटी लड़कियों को ही पसंद करते हैं। और दोस्तों, ये सच भी है, क्योंकि आप भी आजकल देखते होंगे कि कुछ एक्ट्रेस अपने से उम्र में बड़े एक्टर से ही शादी करती है, और वहीं कुछ एक्टर अपने से उम्र में छोटी फीमेल एक्ट्रेस से ही शादी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी के कारण होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, साइकोलॉजी के एक स्टडी में पाया गया है कि जो बच्चे अपने स्कूल टाइम में गुड लुकिंग या दिखने में थोड़े अच्छे होते हैं और साफ सुथरे रहते हैं, उन बच्चों को हमेशा ही स्कूल में कम पनिशमेंट मिलती है और टीचर उन्हें एक पढ़ने वाला बच्चा मान बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही वह बच्चा सच में पढ़ाई में अच्छा ना हो, मगर वह ह्यूमन साइकोलॉजी का जाने या अनजाने में यूज करके हमेशा से पनिशमेंट से बच जाता है। दोस्तों, ये चीज आप में से भी कई लोगों ने अपने स्कूल में जरूर नोटिस करी होगी। यदि आपने भी स्कूल टाइम में ये चीज फील की तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कोई आपको बार बार देख रहा है, लेकिन जब आप अपने आसपास देखते हैं तो कोई नहीं होता। तो इसके बारे में साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी कंडीशन में 80% चांसेस होते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कोई केमिकल लोचा होता है, यानी ये सब आपके दिमाग की वजह से होता है। ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी या भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि काश टाइम थोड़ा पीछे चला जाए ताकि आप वो सब काम कर सको या अपनी वो सभी डिजायर्स पूरी कर सको जो आप उस टाइम नहीं कर सके थे? तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक स्टडी से पता चला है कि दुनिया भर में 90% लोगों का दिमाग यही सोचता है कि काश टाइम थोड़ा पीछे चला जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, बट आपके साथ दुनिया के 90% लोग भी यही सोचते हैं। फैक्ट नंबर 6। कैरसिनोफोबिया। दोस्तों, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें इंसान को हर समय ये डर लगा रहता है कि कहीं उसमें कैंसर की बीमारी तो नहीं पनप रही। जी हाँ दोस्तों, इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सैड, डरा हुआ और डिप्रेस्ड रहता है, और कभी कभी ये फोबिया इतना अधिक हावी हो जाता है कि इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने से भी रोक देता है। इसे कैंसर फोबिया भी कहा जाता है। इंसान इसमें अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है और नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता, जैसे टाइम पर खाना खाना, पानी पीना, एक्सेट्रा। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार जब व्यक्ति कोई नई नई चीज खरीदता है तो वह उस चीज को लेकर 1 से 2 सप्ताह तक सावधान रहता है, यानी उस चीज की बहुत ज्यादा केयर करता है, लेकिन उसके बाद वह नॉर्मल हो जाता है और ज्यादा केयर नहीं करता। और दोस्तों, ये चीज आप में से भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नया नया मोबाइल या कोई नया नया गैजेट परचेज करते हो तो उसकी शुरू के कुछ दिन तक काफी ज्यादा केयर करते हो, एकदम बच्चे की तरह उसको संभाल के रखते हो, लेकिन उसके बाद आपको उसकी कोई चिंता नहीं होती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, थोड़ा सा अमेजिंग है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लड़कों को 1 से ज्यादा कितनी बार भी किसी और लड़की से प्यार हो सकता है, लेकिन लड़कियों को 1 या 2 बार से ज्यादा बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए वह अपने पहले प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, और लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। लेकिन वही लड़कों में अक्सर देखा गया है कि उन्हें 1 या 2 बार ब्रेकअप या शादी टूटने के बाद भी 3री या 4थी बार आसानी से प्यार हो जाता है, यानी लड़के लड़कियों की तुलना में अगला प्यार पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, वहीं लड़कियों में ये कम देखा जाता है। फैक्ट नंबर 3। सपनों से जुड़े कई साइकोलॉजिकल तथ्य आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रात में किस टाइम सबसे लंबा सपना आता है? दोस्तों, एक इंसान हर 90 मिनट में एक सपना जरूर देखता है। जी हाँ दोस्तों, और एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि रात के टाइम का सबसे लंबा सपना सुबह के टाइम आता है, और ये सपना 30 से 45 मिनट का होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सपना 45 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं होता। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। साइकोलॉजी कहती है कि आप लगातार 1 साल 1 महीने और 1 सप्ताह तक किसी के बारे में भी गलत या नेगेटिव ना बोलें तो आपकी लाइफ आपके आसपास के लोगों के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा तेजी से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये सच है, क्योंकि जब आप नेगेटिव ही बोलते या सोचते रहते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते रहते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है एंड आप ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई मुश्किल काम शुरू करते हो तो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है या ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा? वेल, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि आप उसी टाइम थोड़ा शक्कर खा लें,
और उसके बाद ऊपर थोड़ा पानी पिएं एंड उसके बाद 60 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दें। आपको जल्दी ही कॉन्फिडेंस फील होगा और आप बिना डरे उस काम को स्टार्ट कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करके जरूर देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी गजब की और अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।